नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पर। से अगर दोस्तों आप उसमें जानते हैं किसी बढ़ते संबंध कोई भी सूचना होती है आपका ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दी जाती है, लेकिन ऐसे में बहुत सारी सूचनाएं ऐसी भी हैं जो कि तमाम भर्तियों के लिए आवश्यक हैं, जो कि हैं लॉकडाउन से संबंधित या फिर कोरोना के संबंध में। तो ऐसे में सरकार के माध्यम से एक बार फिर से जो बड़ी घोषणा है वो कर दी गई है, जो कि लॉकडाउन को लेकर है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार के माध्यम से एक बार फिर से बड़े लॉकडाउन की जो घोषणा है वो की गई है। तो सारी अपडेट हम कवर करते हैं, जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सुबह की वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी गई थी कि सरकार के माध्यम से हो सकता है कि इस लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया जाए। संभावना देखने के लिए मिल रही थी कि 17 मई तक आप सभी के सामने जो लॉकडाउन है बढ़ा दिया जाएगा। सुबह की वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया भी था, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि 17 मई तक फिर लग सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें, सरकार के माध्यम से यहाँ पे घोषणा कर दी गई है, यूपी में आंशिक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। अब लंबा लॉकडाउन आप सभी को देखने के लिए मिला है, क्योंकि आप सभी को बताया कि सरकार के माध्यम से अब तक इतना बड़ा लॉकडाउन की घोषणा नहीं की गई थी। पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन या फिर 4 दिन का जो लॉकडाउन है वो लगाया गया था, लेकिन एक बार में सबसे बड़ा 7 दिन का आप सभी के सामने जो लॉकडाउन की घोषणा है वो सरकार के माध्यम से की गई है। सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है, जो कि 17 मई तक आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो लॉकडाउन है वो लगा हुआ है। अब 17 मई सुबह 7 बजे तक जो लॉकडाउन है वो लागू रहेगा। इसके बाद में आगे का जो भी फैसला होगा सरकार के माध्यम से समय रहते जानकारी दे दी जाएगी। तो ऐसे में ये थी दोस्तों अभी की लेटेस्ट अपडेट। बाकी की अपडेट के जुड़े ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के साथ। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।